सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शरदीय नवरात्र की शुरुआत कब से हो रही है, यह त्योहार कब तक चलने वाला है, घट की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत से जुड़े हुए नियम जानेंगे, कौन सी तिथियों में कौन कौन से व्रत पड़ेंगे यानी कि किस किस दिन कौन कौन सी देवी माँ की पूजा होगी, और इसके साथ ही यह भी जानेंगे माँ दुर्गा की सवारी क्या होने वाली है, इस बार जो है माँ दुर्गा कौन से वाहन की सवारी करके आने वाली है। भूलोक पर माँ को आने का जो साधन माना जाता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो माँ की कुल मिलाकर के 6 सवारियां हैं, यही 6 सवारियां तय करती हैं कि आपका भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है या देश में कितनी शांति और तरक्की होने वाली है। जैसा कि हम सभी ने पिछले 2-3 सालों में देखा है कि कोरोना के कहर की वजह से कितना नुकसान हुआ है, वह माँ की सवारी के द्वारा पहले ही पता कर लिया गया था। तो ऐसी अनेक प्रकार की आफत और मुसीबतें जो है इससे पता चल जाती है, वह सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म में बहुत बड़ी तौर पे जो है ना शरदीय नवरात्रि को मनाया जाता है। हर घर में, हर मंदिर में शरदीय नवरात्रि के दौरान धूमधाम देखी जा सकती है। नवरात्रि के पर्व को हर एक घर में, देश के हर एक हिस्से में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार होता है, लेकिन शरदीय नवरात्रि का तो महत्व ही अलग होता है। शरदीय नवरात्रि का त्योहार अश्विन माह में मनाया जाता है और इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। शक्ति के 9 स्वरूपों की एक साथ पूजा से जो ऊर्जाएं बनती हैं, उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में पूर्ण विधि विधान के अनुसार मंत्रोच्चार किए जाते हैं, वैदिक अनुष्ठान के साथ कलश की स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। कलश में माता रानी के आवाहन को ही घट स्थापना या फिर कलश स्थापना के रूप में हम सभी जानते हैं। कलश स्थापना हमेशा नवरात्रि के प्रथम दिन ही की जाती है। साल 2023 में माँ दुर्गा जो सवारी करके आ रही हैं, वह हाथी होने वाला है। हाथी की सवारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है यदि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो धन संपत्ति संपदा ऐश्वर्य वैभव वर्षा इन सभी चीजों की प्रचुरता होती है। देश में भरपूर बारिश होगी और जो भी खेतीहर हैं या फिर जो किसान हैं, उनकी मुसीबतें खत्म होने की पूरी पूरी संभावना है। हाथी की सवारी को संपन्नता धन वैभव के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो हाथी की सवारी पर होके आना बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कलश की स्थापना, जो घट की स्थापना की जाती है, वह किस तारीख को करनी है, कौन सी तिथि वह होगी और इसका समापन कब होने वाला है। देखिए, आप सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए, जो प्रतिपदा तिथि है वह 14 अक्टूबर को रात्रि 11:24 से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन हम सभी के शास्त्रों में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी उदया तिथि का मान दिया जाता है, इसलिए कलश की स्थापना, घट की जो स्थापना होगी, वह 15 अक्टूबर को की जाएगी। इसके साथ ही 16 अक्टूबर को सुबह 12:32 पर प्रतिपदा तिथि का समापन होने वाला है। ऐसे में तो और भी ज्यादा ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया है कि जो कलश की स्थापना, जो घट की स्थापना हम करेंगे, वो 15 अक्टूबर को ही करेंगे। इस साल कोई भी तिथि ना तो घट रही है और ना ही बढ़ रही है। इस तरह से नवरात्रि के पूरे 9 दिन पड़ रहे हैं। 15 अक्टूबर से आरंभ होकर नवरात्रि 23 अक्टूबर तक रहने वाली है और 24 अक्टूबर को
विजयादशमी यानी कि दशहरा का त्योहार हम सभी मनाएंगे। घट को सही मुहूर्त में स्थापित करना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। यदि सही मुहूर्त में आप घट की स्थापना करते हैं तो इससे मिलने वाले फल बहुत ही ज्यादा होते हैं। घट की स्थापना 15 अक्टूबर को जो है सुबह 11:44 से लेकर के दोपहर के 12:30 तक रहेगा। कलश स्थापना की जो अवधि है, जो समय है घट स्थापना की, वह 46 तक की है। काफी ज्यादा समय है, आराम से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अब यह भी जानते हैं कि किस तिथि में कौन से माता की हमें पूजा करनी है। तो देखिए 15 अक्टूबर जो रविवार है, इस दिन माँ शैलपुत्र की पूजा की जाएगी और इसी दिन घट की स्थापना की जाती है ना। सोमवार 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मंगलवार को यानी कि 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की जाएगी। बुधवार 18 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की। गुरुवार 19 अक्टूबर को माँ स्कंदा माता की। शुक्रवार 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की। शनिवार 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की। रविवार 22 अक्टूबर माँ महागौरी, जिसे कि महाअष्टमी कहा जाता है। सोमवार 23 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की और मंगलवार 24 अक्टूबर माँ दुर्गा का विसर्जन यानी कि विजयादशमी की तिथि है। इस प्रकार से जो है ना, शरदीय नवरात्रि की शुरुआत से लेकर के जो अंत तक का, जो विसर्जन तक का समय है और मुहूर्त है, बिल्कुल मैंने पूर्ण तरीके से इसमें जानकारी दी है। वैसे आने वाले समय में मैं आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाली हूँ, एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ जो किस्मत को खोलती तो है ही है, साथ ही आपके अंदर एक गजब का आकर्षण लेके आती है। इस मंत्र के जाप से आप राजा बन सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपका असफल होने वाला है। उन सभी चीजों के लिए वीडियो पे बने रहें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।